ये देखिए सेब के पेड़ अभी पतझड़ के बाद में इन पौधों के ऊपर अभी तक पत्ते नहीं आए हैं। जैसे ही पत्ते आएंगे साथ साथ में इनके फ्लावरिंग आ जाएगी। ये देखिए सेब का बागान, बैक साइड में देखिए इसके दो सफेद थोड़ा रंग, ये देखिए धौलाधार के पर्वत, दूर से जो हमें बादल दिखाई दे रहे थे ये सब पर्वत की चोटी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कैमरे को घुमाते हैं और यहाँ देखिए इस बिजली के खंभे के बिल्कुल बैक साइड में सफेद बर्फ से ढकी हुई चोटी देखिए, सफेद बर्फ। जब बर्फबारी होती है तो ये चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं। जब बर्फबारी का सीजन नहीं होता तो यही बर्फ पिघल के धूप में, दिन में गर्मी पड़ती है तो ये बर्फ पिघल के पानी बन के नीचे आता रहता है और नदियों का जन्मदाता कहेंगे हम इसको। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, इन चोटियों के ऊपर जो बर्फ है धूप में बर्फ पिघलती है और नीचे आती है और नदियों का निर्माण होता है। तो हम इन बर्फ से ढकी हुई चोटियों को नदियों की जन्मदात्री कहेंगे। देखिए ऊपर सफेद बादल, नीचे सफेद बर्फ से ढकी हुई चोटी, दोनों जैसे एक दूसरे को चूम रहे हैं। वो देखिए हिमालय पर्वत ऑल माइटी, विश्व में सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत, दूर दूर तक फैला हुआ। इसी फैलाव के बीच में कहीं माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, यहां से तो नहीं दिखती पर वो भी हिमालय पर्वत में ही है। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, पूरी पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए दूर दूर तक हमें पहाड़, बादल, कुदरत के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। जय शंकर।